और ये इतनी नाइस रेनबो देख के मेरा तो मूड इतना ज़्यादा फ्रेश हो चुका है, इतना फ्रेश हो चुका है और मुझे बहुत नाइस फील हो रहा है माशाल्लाह से। वेलकम एंड गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल। तो सारे लोग कैसे हैं? तो प्यारी 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 शाम हो चुकी है और अभी अभी मैं रेडी हुई हूँ। आज मैंने अपना गेटअप चेंज किया है और आज हमने रेड कलर पहना है। मैंने कहा काफ़ी टाइम से जितनी अब बोरिंग डल लाइफ चल रही है, इतनी डल लाइफ चल रही है, तो हम थोड़ा सा लाइफ को ब्राइट कर देते हैं और ख़ुद को भी ब्राइट कर देते हैं ताकि हर चीज़ ब्राइट ब्राइट लगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो है चेंज की है और थोड़ा सा जो है मेकअप भी कर लिया है, थोड़ा कह लें ज़्यादा कह लें जो आपका दिल करता है कह लें। तो दूसरी बात, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना 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 हो सके गाइस आप लोगों से शेयर करें, उसके बाद ब्लॉग देखें। Assalamualaikum and good morning beautiful people। तो प्यारी प्यारी सुबह हो चुकी है, तो आप लोग सारे लोग कैसे हैं? तो कल इतना बिजी डे था, फरियाल में कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो चीज़ें ली। कल मेरी तैयार की रोके गई थी, मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली। तो अभी जो है जिम का टाइम हो चुका है और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हम जिम के लिए निकलते हैं। उसके साथ साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चीज़ का वेट करें, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना 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 हो सके शेयर करें। मैं मस्कारा कभी नहीं लगाती क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये हो जाता है। अभी मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है तो अभी इसको शेक करते हैं। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जिम के लिए निकलने लगी हूँ। अभी मेरे हाथ में लिपस्टिक लग गई है और ये उतर ही गई, पता नहीं कैसे बॉटल के ऊपर लगी। मैं बॉटल को धो रही थी, ऊपर से साफ़ कर रही थी, वो इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि वो साफ ही थी, इतनी मुश्किल से साफ की और हाथों के साथ लग गया मेरे। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। कल के मच्छर हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये मेरे बाजू पे एक मच्छर ने काटा है, ठीक है, और ये भी मुझे मच्छर का ही लग रहा है, कोई और नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है मच्छरों के साथ, तो आज मच्छरों का भी खात्मा करते हैं कुछ इसी तरीके से, क्योंकि छोटे छोटे गैप से जो नहीं है ये अंदर आ जाते हैं। तो आज मैंने बैक ट्रेन की है तो काफ़ी ज़्यादा जो है थक गई हूँ मैं आज बहुत। तो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है और आज तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमेशा गर्मियों में ये होता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस बार सीन कुछ इस तरह के, आज जो है सुबह मैंने खाना जो है शायद सही तरह नहीं था खाया, या खाना अच्छा नहीं था या हाइजीनिक नहीं था, तो जिसकी वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। क्योंकि डेली मैं वही खाती हूँ, एग्स खाती हूँ, फ्रूट होता है, फ्रूट बोल होता है और एग्स होते हैं। तो आज मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। ऊपर से ये देखें आप, पिंपल निकल आया, अब इसको मैंने कवर किया पैच लगा के, और अभी देखें मुझे इतनी ज़्यादा सांस चढ़ी है। अभी मैं ढूंढ रही थी इमोडियम, तो मैं इमोडियम खा लेती हूँ ताकि जो है मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाहर इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद वाली गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में हमेशा जो है मेरा बुरा हाल हो जाता है। मुझे अच्छी लगती है, मैं गर्मियों को पसंद करती हूँ, पर उसमें ये होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो मेरा स्टमक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मैं कुछ खा पी नहीं सकती। आई डोंट नो ये मेरे साथ क्यों होता है, बाकी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा से जो है ऐसे ही होता आ रहा है। ये देखें आज इतना नाइस वेदर है और इतनी नाइस रेनबो निकली हुई है बाहर और बहुत नाइस व्यू आ रहा है। इतना अमेजिंग वेदर है ना बाहर इस टाइम, ठीक है, इस सामने सूरज निकला हुआ है, ठीक है, और इस साइड पे जो है रेनबो निकली हुई है। इतना प्यारा व्यू आ रहा है, इतना प्यारा व्यू आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, और मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सनसेट देखें कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, और अभी बारिश हो रही थी, 2 मिनट पहले बारिश हो रही थी। बहुत ज़्यादा नाइस वेदर है माशाल्लाह से। मैं तो आज देख रही थी, मुझे इतना सच्ची में नेचर से मुझे इतना प्यार है ना, इतना प्यार है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं एक साइड पे सूरज को देख रही हूँ, एक साइड पे जो है रेनबो को देख रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। तो बाकी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, आज मैंने फुल डे का कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है, तो जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, हर चीज़ों को अवॉइड करूंगी। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे बात करना चाहूँगी, वो बात ये है कि अगर आप लाइफ में
कभी भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आपने माइंड बना लिया कि आपने सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है, तो सबसे पहले आपने रूल नंबर वन बनाना है कि ना ही आपने मनी बोरो करनी है और ना ही आपने मनी लेंड करनी है। सबसे पहला रूल अपनी लाइफ का बना लें कि अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ना किसी को पैसे देने हैं ना किसी से पैसे लेने हैं। वो चीज़ आप करें ही ना जो आप जिस बात पे कायम रह ही ना सके, ठीक है। आप भी कहेंगे कि किसी से मैं पैसे लूंगी तो मैं कहूंगी मैं दे दूंगी तो मैं नहीं कर सकूंगी वो चीज़, अगर दूसरा भी मुझसे लेगा तो वो भी ये चीज़ नहीं कर सकेगा। मेरे साथ बहुत से एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ कोई एक एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ कोई 10 एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उसके बाद जाके अब मेरी आंखें खुली हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा जो है ना इस बात पे मार खा जाती हूँ, तो ये चीज़ मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने सीखी है, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब इंसान किसी को पैसे देता है तो इस नीयत से नहीं देता कि इंसान जो है आगे से कहेगा कि बंदा खुद रिटर्न करता है या कुछ भी, और अगर मैं किसी से पैसे लूँगी तो ऑफकोर्स मुझे होगा कि मैंने किसी को पैसे देने हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। लेकिन इस मामले में हमेशा से कोई मेरे साथ एक मर्तबा हाथ नहीं हुआ, मैंने अगेन बताया मेरे साथ 10 मर्तबा इस तरह का मामला हो चुका है, और इस तरह की मिस्टेक मैं आइंदा कभी भी नहीं बनाऊंगी। और आप लोगों को भी मैं ये लेसन देती हूँ कि कभी भी अगर लाइफ में आपने सक्सेसफुल होना है तो नो बोरो नो लैंड, ठीक है। दूसरी चीज़ आज की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, आज मैं काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान में इंसान कहीं पर चला जाता है, ठीक है, बिजनेस में नुकसान होता है, तो कभी भी आपने फेड अप नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट दिन का इंतज़ार करें, सुबह उठ के आप नई उम्मीद के साथ उठें कि आज का दिन अच्छा होगा, आज के दिन आप अच्छा सा अच्छा कोई ना कोई काम कर सकते हैं, ना कि जो पिछला दिन गुजर गया तो उसको बैठ के रोएंगे, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक हर इंसान बनाता है और बिजनेस में मिस्टेक्स तो हर इंसान करता है, ठीक है। और बिजनेस में लॉस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बिजनेसमैन को बिजनेस में लॉस होता है, तो इसलिए लॉस को बर्दाश्त करना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है, और पीछे बैकवर्ड जाके नहीं देखना पड़ता बल्कि आगे चलना पड़ता है कि लॉस हो गया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से खड़ा हो जाऊंगा या खड़ी हो जाऊंगी, दोबारा से कोशिश करूंगी तो मैं अगेन जो है अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। तो इसलिए ये छोटी मोटी बिजनेस में चीजें होती रहती हैं, तो इन पे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये 2 लेसन्स थे जो मैंने आप लोगों को देने थे कि आई होप आप लोगों को ये समझ में आएंगे और आप इन पे अमल भी करेंगे। एक बहुत ही चीज इंसान के साथ हमेशा होती है, जब भी इंसान कभी डाउन जा रहा होता है या इंसान मेंटली भी डाउन जा रहा होता है या कुछ भी, तो आपकी लाइफ में गलत चीजें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप उस वक्त नेगेटिव चीजें सोच रहे होते हैं, तो आपका बिजनेस भी नेगेटिव जा रहा था, आपकी बाकी चीजें भी नेगेटिव जा रही होती है, और जो आपके इर्द गिर्द बंदे होते हैं उनको पे नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको बहुत ही क्या कहते हैं कि तरीके के साथ मैनेज करना चाहिए और सब्र बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपके साथ लाइफ में इस तरह के क्राइसिस आ जाएं तो सब्र से काम लें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। अभी मैंने चेंज कर लिया है और अभी बस मगरिब का टाइम होने वाला है, लेकिन माशाल्लाह बाहर इतना नाइस वेदर है, सच में मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊं, लेकिन जो है घर में भी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी इधर से देखते हैं। और ये साथ वाले कोई काम करा रहे, इतना शोर है, ठक 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 ठक, जब भी कोई काम की बात बोलने लगो तो पीछे ठक 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 शुरू हो जाती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा। हाँ जी, तो अभी अभी मैं फ्री होके आई हूँ और आप लोगों से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है डिस्कस करने लगी हूँ। आगे भी मैंने आपसे ये बात शेयर की है कि डोंट लैंड आर बारो मनी, कभी भी अपनी लाइफ में ये हरकत कभी भी ना करना, ठीक है। उसके साथ साथ बात ये चल रही है कि अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी जो है ग्रो करे, ग्रूम हो या कुछ भी, ठीक है, तो सबसे पहले सिक्योर योर सेल्फ, ठीक है। मेन चीज ये बताने का मकसद आपको ये है कि जब तक आप फाउंडेशन सही तरह नहीं बनाएंगे, आपकी फैमिली सिक्योर नहीं हो सकती। फर्स्ट मेक योर सेल्फ सिक्योर, ठीक है। जब आप सिक्योर हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली सिक्योर ही सिक्योर है, क्योंकि आपके माइंड में प्लान होगा, आपके माइंड में एक चीज़ सेट होगी कि आपने सोचा होगा कि आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन उससे पहले आपने कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना।
इफ यू वॉन्ट टू मेक योर फैमिली हैप्पी फर्स्ट मेक योर सेल्फ सिक्योर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज नोट करनी है कि आपने अपना पोल सबसे ज्यादा मजबूत करना है, देन उस पोल पे आपकी पूरी फैमिली आ सकती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो उसके लिए आपने बहुत सी चीज़ों को समझना होगा और जो मैं रूल्स बता रही हूँ उन पे अमल करना होगा, क्योंकि मैं कोई सीख के तो नहीं आई। मेरे साथ ऐसे क्राइसिस हुए हैं, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैंने उनसे लेसन्स लिया है और मैंने मिस्टेक्स बनाई हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है। तो आई होप आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि इमोशनल होके बंदा जब इमोशनल होता है तो बहुत जज्बाती होकर इंसान हमेशा गलत फ़ैसला ले लेता है, या गुस्से में इंसान जब होता है तो हमेशा गलत फ़ैसला लेता है। तो हम जो है लॉजिकली बात करेंगे, तो लॉजिकली अगर इस चीज़ को देखा जाए, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। गाइज, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने मिस्टेक्स बनाई हैं, ठीक है, हर इंसान मिस्टेक बनाता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता लाइफ में, ठीक है, और बहुत सी मिस्टेक्स इंसान बनाता है, ठीक है, पर मैं जो भी मैंने मिस्टेक्स बनाई हैं, मुझे उन पर कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी पछतावा नहीं है, ना ही मैं उन चीज़ों को दोहराना चाहूँगी, ना ही मैं इस बारे में कोई बात करना चाहूँगी। जो रूल्स अब मैंने आप लोगों को बताएं, पहला रूल नंबर 1, डोंट बोरो और लेंड मनी। दूसरा ये कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने खुद को सिक्योर करना है, देन आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने गौर से सुननी हैं, इनको अमल करना है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आएगी और आप लोग इस पर अमल भी करेंगे। तो मेरे साथ ये सिचुएशंस हुई हैं, जो मैंने मिस्टेक्स बना दिया, मुझे उनका कोई पछतावा नहीं, जितने मैंने पैसे अगर वेस्ट कर दिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह अच्छा होगा और इन मिस्टेक से इंसान सीखता है। तो इन पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, या अगर कोई आपके पैसे वेस्ट हो गए, या आपके कहीं पैसे लग गए, या आपने किसी को दिए हुए थे, या कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। भूल जाएं इन बातों को और आगे बढ़े, भूल जाएं उन पैसों को भी, क्योंकि वो आपको कभी भी मिलने वाले नहीं हैं। सो इसलिए किसी किस्म के लारों में ना रहें और अपनी लाइफ को इंजॉय करें। जो आप को चीज़ खुश करती है, जिस चीज़ से आप खुश होते हैं, वो काम करें, हर हाल में वो काम करें। सो मेरी एक आदत है कि मैं नो नहीं कर सकती, बट अब मैंने ये चीज़ सीख ली है कि सीधा सीधा नो बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नो नहीं बोलेंगे तो उस नो में आप खुद फंस जाएंगे और इतने बुरे फंसेंगे ना कि उधर से आपको कोई भी नहीं निकालेगा उस टाइम पे। फिर बाद में आपको खुद इस चीज़ पे पछतावा होगा और मांगते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंसान को अपना आप छोटा लग रहा होता है कि ये क्या, मैं क्या कर रहा हूँ आखिर में, मतलब कि कहना भी इंसान को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये आखिर में मैं क्यों कह रहा हूँ बात। जो मिस्टेक्स इंसान से बन गई हैं सो बन गई हैं, उन पर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बस इंजॉय करें लाइफ को, चिल करें, ठीक है, और जितना आप लोगों से दिल लगा के काम होता है काम करें, क्योंकि यही एज है काम करने की। बाकी कुछ चीज़ें जो है आपको दिमाग से सोचनी पड़ती हैं, हर चीज़ को दिल से नहीं सोचा जाता, क्योंकि जब आप हर चीज़ जो है दिल से फैसला करना शुरू करते हैं तो कई बार रॉन्ग हो जाती है। तो मैं जस्ट आपको यही जो मेरे साथ सिचुएशंस हुई हैं या जो चीज़ें मैंने फेस की और मुझे बैड लगी हैं, लेकिन मुझे अब उनका कोई पछतावा नहीं है। अगर मैं उनको उनके बारे में याद भी करूँगी ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सिचुएशंस के बारे में। जस्ट मेरा ये काम था कि मैं ये रूल्स आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग फॉलो करें और आप ताकि कोई मिस्टेक ना बनाएं। पर एक चीज़ बहुत ही फनी है, जब तक आप भी मिस्टेक नहीं बनाएंगे ना, आप भी नहीं सीख सकते। तो आपको भी मिस्टेक शुरू शुरू में बनानी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप लोग सीख सकेंगे। आई होप आपको आज का लॉ समझ में आया होगा और आप इन पर अमल भी करेंगे। पर ये जो लॉ है, ये मेरा अपना लॉ है, ठीक है, तो आप इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि बिजनेस में ये लॉ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसमें ये लॉ आपका टॉप पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि किसी को भी मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही, बस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और आई होप आपको कोई बात बुरी नहीं लगेगी, और अगर बुरी लग भी रही है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो आज का व्लॉग इतना ही,
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।